हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। आज मैं जा रही हूँ एक एग्जीबिशन में, तो आप लोगों को भी लेके जाती हूँ। ये पावाई में एक एग्जीबिशन है। অনেক দিন পর এরকম রোদ্দুরের মধ্যে বেরোলাম বিকেলবেলা। তো সাধারণত কি হয়, যাই যখন তখন সন্ধ্যেবেলা বা রাত্রিবেলায়। তো অনেকদিন পর বিকেলবেলায় বেরোলাম। তো আ গই হু এক্সিবিশন মে। হ্যাঁ, এক্সিবিশন কা নাম হ্যাঁ ন্যাশনাল হার্ট। तो ये एग्जीबिशन है पावा हीरानंदनी में, जो बिल्कुल हीरापन्ना मॉल के साइड में है। किसी को अगर पता है हीरापन्ना मॉल कहाँ है तो वो इजीली ये जगह मिल जाएंगे। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे कैंपस में रहती हूँ। वहाँ से हीरानंदनी आने के बाद, गैलेरिया आने के बाद तो राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट टर्न लेने के बाद सीधा जाएंगे तो जो रोड आएगा उधर लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। लेफ्ट टर्न लेने के बाद सीधा जाएंगे तो हीरापन्ना मॉल, हीरापन्ना मॉल के साइड में ही है। ठीक हीरापन्ना मॉल के आगे राइट साइड में ये एग्जीबिशन चल रहा है। तो ऐसे एग्जीबिशन मुझे बहुत पसंद आता है। मैं हर बार ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं जाती हूँ, घूमती हूँ और बहुत सारा शॉपिंग करती हूँ। तो इस बार भी बहुत सारा ऐसे न्यू टाइप के एग्जीबिशन में न्यू टाइप के स्टॉल आया है, जो मुझे अच्छा लगा। ये सब तो हर बार मिलता है, इस बार भी है, और हर बार ही ये सब खरीदना अच्छा लगता है, क्योंकि घर सजाने की चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और मैं हर बार ही कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। तो एक बार आप लोगों को घुमा घुमा के दिखा देती हूँ आज क्या क्या है। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मैं जो टाइम पे गई थी, और बाद में जब इवनिंग हो गया था, मैं आफ्टरनून में गई थी, इवनिंग जब हो गया था तो थोड़ा सा भीड़ हो रहा था। तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि चारों तरफ लाइट है, और जो बाहर वाला होता है वो जगह पे मैं घूम रही हूँ। मुझे यहाँ का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं पहले भी खरीद चुकी हूँ, आज भी शायद जाने के टाइम खरीदूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम मेला के जो गेट है उसके पास ही है। तो मुझे ये फ्लावर बहुत अच्छा लगा है, शायद जाने के टाइम मैं ख़रीदूँगी, अभी नहीं। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी। तो अंदर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होता है ना, ब्रास का बहुत सारे स्टॉल है, और घर सजाने की भी है। ये वाला शॉप जो है, ये भैया के साथ ऐसे मेरी पहले से ही जान पहचान हो गया था, बार बार इनके पास मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो भैया बोल रहे थे कि मैडम आप देख के जाओ, मेरे स्टॉल मिल के जाओ। तो मैं भी कुछ कुछ जैसे हर बार इनके शॉप से मैं कुछ घर सजाने की चीज़, ऐसे ये जो ग्लास का पेन होता है मुझे बहुत पसंद आता है ये, और कैंडल जो स्टैंड होता है, और लाइट भी बहुत अच्छा मिलता है इनके पास। छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बना हुआ जो कैंडल स्टैंड होता है और हैंगिंग लाइट होता है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये भैया एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर भी है, और भैया मुझे बोल रहे थे मैडम आप कुछ खरीदो ना खरीदो मेरे शॉप में आना ज़रूर। तो मैं जाके मुझे पसंद आता है उनके चीज़, तो मैंने कुछ कुछ खरीद लिया। तो अभी मैं अंदर जाऊंगी, तो अंदर जाने के टाइम आप लोगों को दिखाते दिखाते मैं जाऊंगी। तो ये एक शुरू में लेफ्ट साइड में एक कश्मीर का स्टॉल है, तो मैं फर्स्ट वाला रो में अभी जाऊंगी। तो आज मैं जाते जाते कुछ देखूंगी, और बहुत मन हुआ तो ख़रीदूंगी, क्योंकि मुझे फिर से आना है। मैं बहुत ही कम टाइम के लिए आई हूँ, तो एक बार मेला आप लोगों को घूम के दिखा दूंगी, और जो मुझे बहुत पसंद आ जाएगा मैं जल्दी जल्दी वो ख़रीद लूंगी। तो यहाँ पे ऐसे लखनऊ चिकन करी स्टॉल है, और मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी। मैं हर बार जो भैया से ख़रीदती हूँ लखनऊ चिकन करी, वो भैया के पास लेके जाऊँगी। तो ये एक कश्मीर का स्टॉल है। क्या प्राइस है? 2800। कलर चाहो कलर दिखा सकते हैं, डिफरेंट आएगा। ये भी साड़ी है? ये भी साड़ी है। इसका प्राइस क्या है? मैडम आप फ्री हो गया ना, जब बाहर आया पश्मीना साड़ी जो शॉल, ये क्या कानी साड़ी है? जो ये कानी साड़ी, हाँ पश्मीना की कानी। इसमें कलर चाहो कलर भी मिलेगा। इसका प्राइस क्या है? 3200। इसमें आपको शॉल भी मिलेगा, आप शॉल अलग से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी तो कानी साड़ी है? ये भी कानी साड़ी, कपड़े में फर्क रहता है। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। इसमें कलर चाहो कलर।
ये पूरा लूम का बना हुआ कपड़ा है, फूल की अगर दिखाऊंगा बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत बहुत सुंदर है। ये नेचुरल कलर है इसका जोड़ जोड़ के। ऐसी तो कश्मीर का कसीदाकारी और कश्मीरी वर्क मुझे बहुत पसंद है, इस पर कानी साड़ी भी बहुत पसंद आया। और भी बहुत सारा स्टॉल है, जांग ज्वेलरी के बहुत स्टॉल है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा करके घुमा के दिखाती हूँ। ये है ट्राइबल जंग ज्वेलरी वाला स्टॉल, और इसमें सिर्फ ट्राइबल ज्वेलरी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये मैट का है, और यहाँ पे सू का एक स्टॉल है जो ऐसे होता है ना, तो हर बार होता है कि बहुत ही काम वाला वर्क वाला सू मिलता है। इस पर नॉर्मल कॉटन का फैब्रिक का भी सू मिल रहा था, तो वो आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे जो अचार हजमी गोली ये सब भी मिल रहा था, तो और कलमकारी और कॉटन का जैसे फ्रॉक ड्रेस वगैरह भी था। आपके पास ज्वेलरी है, थोलू है ना ये? हाँ थोलू है, ज्वेलरी है थोलू का, लेके आना चाहिए था, यही मिलता है ना यहाँ पे। ये सब क्या प्राइस है? 2600 पूरा तार बोल्ट पूरा फिटिंग करके देते हैं, लेकिन बहुत दिन से। पर आपको थोलू का ज्वेलरी है ना? ज्वेलरी है, मैं बनाया ना, हम तो घर में छोड़ दिया, तो लेके आना चाहिए था, मैं तो ये पक्का लेती। बहुत सुंदर है, बस आप लोग फर्स्ट टाइम पूछा ना, मुझे थोलू बोमलता का बहुत ये है क्रेज है, पर ज्वेलरी का बहुत सुंदर है। ये छोटा छोटा क्या प्राइस रेंज है आपका? 800 का। अच्छा, बहुत सुंदर, पूरा तार वाटर पूरा फिटिंग करके आपको दे देंगे, लाइफ आ जाएगा। अच्छा, लाइट के साथ और ऐसे ही लंबा तार देंगे ना? लंबा तार देंगे। ये भी बहुत सुंदर, ये हैंगिंग वाला कितने। तो थोलू मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोलू बोमलता। और यहाँ पे थोलू का बहुत अच्छा स्टॉल है जो मैं एग्जीबिशन में कभी नहीं देखा। मुंबई में जो एग्जीबिशन होता है मैं हर बार विजिट करती हूँ, फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं, और बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर किसी को पसंद है आप ले सकते हो। और इसके बाद मैं फिर से घूमना स्टार्ट कर दिया। बीच में चिकन करी भैया आके बताया कि आप मेरे स्टॉल में आइएगा, तो मैं जाऊंगी। तो इस बार ये मैंने देखा इक्कत के स्टॉल में, जैसे मैं हर बार इक्कत के कुर्ती खरीदती हूँ, इस बार ब्लाउज़ भी अवेलेबल है, रेडीमेड ब्लाउज़ अगर किसी को लेना है इक्कत कलमकारी ले सकते हैं। साड़ी का तो बहुत सारे स्टॉल है, कोलकाता वाला साड़ी है, कश्मीर वाला है, और भी ऐसे डिजाइनर साड़ी है। बेश बड़ो मेलाटा, मेला बहुत बड़ा है, तो मैं एक रो घूम के आई हूँ, अभी दूसरे रो पे जा रही हूँ। शुरू में मैंने कांच का वर्क वाला कैंडल स्टैंड ले लिया था, पर मुझे कैंडल स्टैंड इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे भी कांच वर्क वाला है, और यहाँ पे दूसरे काइंड ऑफ से कैंडल स्टैंड है जो मुझे अच्छा लगा। ये क्या है? कैंडल होल्डर है ना? इसका प्राइस क्या है? 80। ये भी कैंडल होल्डर है, 150। ये ये वाला वाला में भी है ना? ये वाला भैया की शॉप सेकंड रो के शुरू में है, तो अच्छे अच्छे कलेक्शन है। कैंडल स्टैंड तो बहुत अच्छे हैं, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ
चीज़ है जो आप देख सकते हो। ऐसे लाइट शुरू में जो भैया है कांच के दुकान वाला उनके पास भी है, यहाँ पे भी कुछ कुछ है। उनके बाजू में है जांग ज्वेलरी, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे जांग ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मैं उधर बहुत टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद ऐसे मुझे मिला है एक भैया के शॉप, जहाँ पे वो बैक पेन के लिए एक चेयर है और एक ऐसे कुशन टाइप के है, तो मैं उधर बहुत देर तक रुक गई थी क्योंकि मुझे आराम मिल रहा था। मैं भैया से वो लिया है, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद चिप्स, ऐसे चिप्स खाना बना का भी बहुत सारे शॉप है, अचार का भी, यमी यमी अचार का भी शॉप है, बहुत कुछ है। कलेक्शन इस बार भी बहुत अच्छा था, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। और मैं भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा घुमा के दिखा रही हूँ क्या क्या है। हर बार मैं मेला से हजमी गोली खरीदती हूँ, तो इस बार भी खरीद लिया। तो और भी बहुत सारे स्नैक्स है, तो आज ज़्यादा नहीं खरीद पाई। और अभी मैं चली जाऊँगी जो लखनऊ चिकन करी भैया से मैं हर बार लेती हूँ भैया के शॉप में। और ऊपर का जो ब्लैक है ये सब बड़े हैं, बट इसमें ब्लैक आपको ये ब्लैक क्या है, ये वो भी वो ऐसा मटेरियल तो मेरे को पसंद नहीं है। ये भैया के पास से मैं हर बार बहुत सारी लखनऊ चिकन करी के कुर्ती प्लाजो वगैरह लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आता है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए कुछ खादी कुर्ता भी मुझे लेना है। और मैं खादी कुर्ता के स्टॉल में जाने के पहले मैं दिखा देती हूँ बीच के कुछ स्टॉल। ये वाला स्टॉल में बहुत अच्छे अच्छे घर सजाने की चीज़ है, और जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इनका एक चेस का बोर्ड, तो बहुत सुंदर है। मैं कभी दूसरे दिन आऊँगी तो अच्छा से ये स्टॉल विजिट करूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा भीड़ बढ़ रहा है क्योंकि इवनिंग होने वाला है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाना है और क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे होता है हर बार आता है ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस का स्टॉल है। और यहाँ पे जैसे कश्मीरी जो कॉटन कुर्ती है जो अच्छा लग रहा था मुझे, पर आज मैं ऐसे ये कॉटन वाला कुर्ती की स्टॉल विजिट नहीं करूँगी, मुझे नहीं लेना है आज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और हस्बैंड का कुर्ता लेना है, मेरे बेटा मेरे साथ है जो हर बार वुडन टॉय खरीदता है, इस बार भी वो साथ में है तो खरीदेंगे ज़रूर। तो मैं वो वाला स्टॉल में आ गई हूँ। ये वाला स्टॉल में ना बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉयज मिलता है, टॉयज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे हर बार मेरे बेटा इसलिए खरीदता है, और मैं घर सजाने के भी डॉल वगैरह खरीदती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉल हर बार। तो ये एग्जीबिशन ऐसे टाइप की जब एग्जीबिशन आता है तो ये वुडन जो टॉयज वाला स्टॉल मैं कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ। इस बार तो मैंने देखा वुडन कोम मुझे बहुत पसंद आता है, और वुडन बैंगल भी है जो यूजुअली नहीं मिलता है, इस बार मैं देख रही हूँ। और मेरा बेटा इस बार बोल रहे कि मुझे यो खरीदना है, और वो अंकल जी से ही सीख रहा था, और वही टाइम पे मैंने मेरे लिए झुमका खरीद रही थी। ये वाला स्टॉल के बाजू में एक जांग ज्वेलरी का स्टॉल है, जहाँ से मैंने बहुत सारे झुमके लिया है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे झुमका खरीदना जो बहुत बड़े साइज का होता है। ये हेवी है पर मुझे बहुत पसंद है, यही मैं लेती हूँ। मैं झुमका खरीद लिया, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या खरीदी। अभी मेरे हस्बैंड के लिए कुर्ता खरीदना है खादी का। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा सा स्टॉल है, तो मेरे बेटे बोल रहे थे मुझे काजू खरीद के दो, जैसे होता है बच्चे देख के ही बोलते हैं। और यहाँ पे घर सजाने के बहुत सारे सामान हैं। तो ये हुआ, तो एंड चले आ गई हूँ एंड में, अभी ये ख़त्म हो गया रो अंदर वाला जगह पे, तो शॉपिंग हो गया। अभी बाहर जाके मैं थोड़ा सा फ्लावर खरीदूंगी, बाहर चलती हूँ। तो शॉपिंग हुआ बहुत कुछ, अभी घर जाना है। ऐसे ही सडनली मैंने कहा था कि आना है, एखंडा लक्ष्मी एखंडा काली पूजा हो बेरी गए ठाकुर, तो आ गई हूँ आप लोगों को लेके।
तो अभी घर जा रही हूँ, आप विजिट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।